everyone, welcome back to my channel. If you are new on my YouTube channel, my name is Pooja. So after a very very long time I came back because my daughter is not well. तो उस वजह से मैं बहुत कोशिश कर रही थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी. तो बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई है. ये है एक वीडियो न्यू लॉन्च की. तो डॉटिन की ने रिसेंटली एक सनस्क्रीन लॉन्च की है जो है वाटरमेलन कूलिंग SPF 50 फेस सनस्क्रीन. कुछ दिन पहले डॉटिन की ने विटामिन सी सनस्क्रीन लॉन्च की थी. उसका पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल रिव्यू है मैंने अपने चैनल पे किया था कुछ टाइम पहले. अगर आपने नहीं देखा है, इफ यू वांट टू वॉच, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख लीजिएगा. अगर नॉर्मली आप सर्च करते हो तो आपको मेरा वीडियो बहुत इजीली मिल जाएगा. आज का वीडियो है अबाउट दिस सनस्क्रीन. ये देख सकते हैं बहुत ही लाइट पिंक कलर है, तो आई थिंक कैमरे में कैच कर रहा होगा इस पे, बट फिर भी मैं साइड बाय साइड आपको और विजुअल ऐड कर दूंगी जिससे आप देख सको कि इसकी पैकिंग किस तरह की है. पैकिंग बिल्कुल सिमिलर है जैसे विटामिन सी की थी, सेम इसकी वाटरमेलन की है. बाहर से वो थी येलो कलर की, ये है पिंक. तो इस वीडियो में आपका फीडबैक भी शेयर करूंगी अपना कैसा रहा मेरा इसके साथ, क्योंकि विटामिन सी के साथ मेरा फीडबैक बहुत अच्छा रहा है. स्टिल बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मुझे पूछ रहे हैं कैसा है कैसा नहीं है, मैं यूज करूं कि नहीं करूं. आप डेफिनेटली मैं बोलूंगी आप यूज करो और उस वीडियो को जरूर देखो. इस वीडियो में ये भी शेयर करूंगी विटामिन सी के कंपेयर कितना ज्यादा अच्छा है, सिमिलर है, क्या ऐड किया गया है, क्या इसमें बेनिफिट है, सबको डिटेल अबाउट दिस सनस्क्रीन आपको इस वीडियो मिलेगी. वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें. तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करें. तो ये है सनस्क्रीन रॉटिन की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन SPF 50. इस पे ऐसा कूलिंग क्यों लिखा गया है, बिकॉज आफ्टर एप्लीकेशन ये थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन देता है जो समर्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है. बट विटामिन सी ऐसा नहीं है कि विटामिन सी कूलिंग सेंसेशन नहीं देता, वो एक ना एक स्किन को ड्यूई फिनिश देता है. बट ये भी एक ग्लोइंग सनस्क्रीन है. बट फर्क इतना है कि समर्स में जब आप इसे अप्लाई करोगे तो हल्का सा माइल्ड कूलिंग सेंसेशन होता है. दिस सनस्क्रीन इज टोटली हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन. ये पूरी तरह से हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है एंड दिस इज द बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. एंड इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन ड्राई स्किन तो डेफिनेटली इस समर्स में आप इस सनस्क्रीन डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करें. दिस बेसिकली अ डेली काइंड ऑफ सनस्क्रीन. इट्स अ डेली वेयर सनस्क्रीन, इंस्टेंटली कूलिंग सनस्क्रीन विद SPF 50 फॉर स्मूथ ल्यूमिनस एंड प्रोटेक्टेड स्किन एवरी डे. दिस इज एवरी डे काइंड ऑफ सनस्क्रीन. मतलब आप इसे एवरी डे अपनी स्किन केयर रूटीन में एड कर सकते हो इफ यू आर गोइंग आउट या फिर आप घर पे. हैज SPF 50 विच वेरी गुड SPF, अच्छा खासा आपको हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर. एंड इट इज पावर्ड बाय यूवी फिल्टर्स टू प्रोटेक्ट स्किन अगेंस्ट डैमेजिंग UVA, UVB, ब्लू लाइट एंड IR एंड HEV रेस. मतलब ये UVA, UVB रेस से तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, प्लस ब्लू जो ब्लू लाइट होती है, मैंने बहुत बार बताया है ब्लू लाइट रेज होती है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स होती हैं जो इस रिंग लाइट से आ रही है जो मैं सामने बैठी हूँ, मोबाइल से आती है, टेलीविजन से आती है, लैपटॉप से आती है, ये होती है ब्लू लाइट. इसके साथ ही ये आपको प्रोटेक्ट करेगा IR एंड HEV रेज से. IR एंड HEV रेज क्या होता है आगे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझाती हूँ. HEV रेज क्या होती है, HEV लाइट इज अ हाई एनर्जी विजिबल लाइट. ये हाई एनर्जी से निकलती है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक से भी निकल सकती है या फिर सन से भी निकल सकती है. एंड द सन एमिट्स मोस्ट ऑफ द HEV लाइट दैट वी आर एक्सपोज टू, बट इट कैन ऑल्सो फाउंड इन अ टेक्निकल डिवाइस सच एज सेल फोन, लैपटॉप्स. जैसा कि ब्लू लाइट रेज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक से आता है जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया. बट HEV रेज क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में आपको रेज फेस पे इफेक्ट देती है जो बहुत ही फेस को डैमेज करने में कामयाब रहती है. बट ऐसा क्लेम किया है कि ये IR एंड HEV रेज से आपको हद तक प्रोटेक्ट करेगा, विच इज वेरी गुड पॉइंट. और इस सनस्क्रीन का जो क्वांटिटी है वो है 50 ग्राम और MRP है 495 रुपीज. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका परचेज लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक के थ्रू जाके परचेज कर सकते हो. जहां जहां भी अवेलेबल होगा उसका मैं परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. और बाहर से आप देखोगे कुछ इस तरह की पैकिंग मिलती है लाइट पिंक कलर में, और बाहर से मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरह से है लाइट पिंक कलर, सिमिलर एज अ विटामिन सी सनस्क्रीन. अगर आपका स्किन डल है, अनइवन स्किन टोन है, अनइवन स्किन टेक्सचर है, स्किन बहुत डैमेज हो गया है काफी सन में एक्सपोज होके, तो ये सनस्क्रीन लगाने से धीरे धीरे वो स्किन है रिपेयर होने में हेल्प करेगा. दिस इज अ वेरी वेरी लाइट सनस्क्रीन, क्विक एब्जॉर्वेशन एंड इट प्रोवाइड्स बेटर विटामिन डी एब्जॉर्वेशन. इसका जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा लाइट वेट है, लाइक इट्स अ क्रीमी रनिंग. ये थोड़ा सा वॉटरी रनिंग जैसा लगेगा. विटामिन सी का भी सेम ऐसा था, बट इसका कुछ ज्यादा ही लाइट वेट है. आपको अंदर से व्हाइट कलर का दिखेगा, बट ये रनिंग काइंड ऑफ है और थोड़ा सा थिक है, मतलब मिक्सअप है जो बिल्कुल भी स्किन को चिपचिपा फील नहीं कराएगा, प्लस एक माइल्ड सा कूलिंग सेंसेशन देता है जो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है समर्स के लिए. एंड दिस सनस्क्रीन मेक्स योर स्किन वेरी स्मूथ एंड वेरी ड्यूई फिनिश. मतलब विटामिन सी सनस्क्रीन तो मेरा फेवरेट है, इन दोनों मैं यूज कर रही हूँ. बहुत अच्छे से एक ल्यूमिनस ग्लो देता है, ड्यूई फिनिश देता है. ये भी आपको बहुत ही ज्यादा एक इंस्टेंट
रेडिएंट लुक देता है आफ्टर एप्लीकेशन, बिल्कुल चिपचिपा तो फील होगा ही नहीं, प्लस आपको बहुत ही अच्छा ग्लो देखने को मिलेगा इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने। दिस सनस्क्रीन इज अ टोटल लाइट प्रोटेक्शन, आइडल फॉर इंडोर्स प्लस आउटडोर्स। आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो। अगर आप घर हो, इंडोर्स में हो, तो नॉर्मली जब स्किन केयर रूटीन करते हैं तब इसे लास्ट में अप्लाई कीजिए इन ड्यूरिंग डे टाइम। बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेट तब तो आपको अप्लाई करना ही है। एंड आफ्टर 2 to 3 hours इसे आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं। एंड दिस इज 100% सेफ फॉर डेली यूज, फ्रेग्रेंस फ्री एंड नॉन कॉमेडोजेनिक। ये फ्रेग्रेंस फ्री है और इसके साथ ही सबसे अच्छा जो मुझे इसके अंदर लगा वो ये लगा कि ये हल्का सा कूलिंग सेंसेशन देता है, बहुत ही माइल्ड, जो आपको बिल्कुल भी ना चिपचिपा फील नहीं होगा, जो लोग सनस्क्रीन अप्लाई करना पसंद नहीं करते। एंड दिस इज अ कलर फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, एसेंशियल्स ऑयल फ्री, क्रुएल्टी फ्री, अल्कोहल फ्री, पैराबेन फ्री, तो दिस इज टोटली केमिकल फ्री सनस्क्रीन। आई फील हाईली सजेस्टिव क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा। जैसा विटामिन सी के साथ रहा वैसा इसके साथ रहा। अगर आप पूछो कि मैं विटामिन सी सनस्क्रीन यूज करूं टॉटन की या ये करूं, मैं आपको कहूंगी दोनों यूज करो, दोनों एक बार ट्राई करो। इफ यू वांट यूज फर्स्ट विटामिन सी, देन आफ्टर दैट आप ये यूज कर सकते हो, पर दोनों ही सनस्क्रीन बहुत ज्यादा बेस्ट है इस डॉटिन की। एंड इस सनस्क्रीन ऐसा क्लेम करती है कि 97% लोगों ने एग्री किया है कि इट लीव्स अ कूलिंग सेंसेशन इंस्टेंटली। मतलब 97% लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि इंस्टेंटली ये कूलिंग सेंसेशन देता है इसे अप्लाई करने। एंड 99% एग्री किया गया है कि ये प्रोडक्ट कोई व्हाइट कास्ट नहीं देता है। यस, मैं बताना भूल गई, इट इज अ टोटली व्हाइट कास्ट, ये कोई भी किसी भी तरह का कोई वाइट कास्ट नहीं देता 1% भी। तो डेली मैं हमेशा बोलती हूँ डेली यूज कीजिए। तो यू हैव टू अप्लाई डेली सनस्क्रीन 15 मिनट्स बिफोर स्टेपिंग आउट, बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले आपको अप्लाई करना है, और या फिर घर पे हो और अपना स्किन केयर रूटीन यूज कर रहे हो तब इसे लास्ट में इसे ऐड करना है। सो यू हैव टू अप्लाई जनरली अमाउंट, जितना आपको अमाउंट चाहिए फेस के लिए उतना आप लीजिए। एंड यू हैव टू अप्लाई ऑल ओवर योर फेस, नेक, इवन यू वॉन्ट टू नीड तो आप इसे अपने हैंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यू कैन री अप्लाई एवरी 2 to 3 hours वेन एक्सपोज टू सन फॉर अ लॉन्ग आवर्स। आप सन में बहुत टाइम से हैं या बहुत टाइम तक हैं, तो एवरी 2 to 3 hours आप इसको रीअप्लाई भी करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कब। तो आप अपना स्किन केयर रूटीन करें, अगर आप फेस वॉश तो करते करते होंगे, इसके बाद टोनर, उसके बाद सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। अगर आप इस तरह से भी यूज नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, फेस वॉश करने के बाद एक मॉइस्चराइजर तो आप यूज करते ही करते होगे, उसके बाद सनस्क्रीन कर लो, या फिर इफ यू वांट फेस वॉश यूज करके सीरम यूज कर लो, देन उसके बाद सनस्क्रीन यूज कर लो, जैसा आप चाहो, पर सनस्क्रीन तो जरूर ऐड करो ड्यूरिंग डे टाइम। इट इन्फ्यूज्ड विद हाइकोनिक एसिड विच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, इट मेक्स योर स्किन वेरी हाइड्रेट विदाउट एनी ग्रीजी एंड ऑयली। इसके अंदर हाइकोनिक एसिड है जो आपकी स्किन को पूरा दिन हाइड्रेट रखेगा, बिल्कुल चिपचिपा और ग्रीजी करेगा। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझे फॉलो करना ना भूलें इंस्टाग्राम पे, आई एम वेरी वेरी एक्टिव, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा उसका लिंक रहता है, तो आप उसके थ्रू जाके मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ही जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं ला सकूं, टाइम निकाल सकूं आपके लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।